हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल राहुल बिस में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक नया अपडेट आया है व्हाट्सएप की तरफ से कि आप इसमें अभी यूपीआई पेमेंट्स भी कर सकते हैं। फोन पे गूगल पे की तरह अब आप व्हाट्सएप से भी पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ एक बार। जैसे हम व्हाट्सएप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई भी आप एक कॉन्टैक्ट खोलते हैं और यहाँ पर अटैचमेंट में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा एक अलग से ऑप्शन पेमेंट्स का। ठीक है, पेमेंट में क्लिक करेंगे। सो अभी मैं इसको पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो मेरा कॉन्टैक्ट है इसने व्हाट्सएप में अभी ऐड नहीं करा इस चीज़ को, यूपीआई पेमेंट्स को। ठीक है, बैक करते हैं। तो इसकी जो सेटिंग्स होगी वो आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी। देखिए थ्री डॉट ऊपर दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा पेमेंट्स का। ठीक है, पेमेंट्स में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको साइड डिटेल मिल जाएगी। मेरा नाम है, नीचे मेरी जो पेमेंट की जो आईडी रहती है यूपीआई आईडी वो रहेगी। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ यहाँ पे आपको दिखेगा पेमेंट की हिस्ट्री और उसके नीचे पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में मेरे पास दो बैंक ऐड है, एक मेरा HDFC वाला और एक Paytm वाला। इसके अंदर सारे बैंक आपको मिल जाएंगे। ऐड करने के लिए सिंपल नीचे दिया हुआ है ऐड पेमेंट मोड। तो इसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, योर बैंक इज़ हैविंग ए ट्रबल। शुरू में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, बट आप एक दो बार इसको ट्राई करते रहेंगे तो रिफ्रेश होकर आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैंने पहले जो ऐड करी थी उसको भी मैंने रिकॉर्ड करा हुआ है, तो उसकी मैं एक थोड़ी सी डाल देता हूँ। सिंपल आपको कैसे करना है देख लीजिए। और यहाँ पे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है हेल्प का। हेल्प में जाएंगे तो आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं, इसको बैक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिखाया हुआ है भीम भी कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। तो बस सिंपल इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, बट नॉर्मल सा अपडेट है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। आने वाले वक्त में ये आपका फ़ोनपे और गूगल पे दोनों को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि उसको अलग से डाउनलोड करना होता है और व्हाट्सएप तो हम सभी यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप के अंदर मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपके मोबाइल में अभी ये नहीं आ पा रहा ये ऑप्शन, तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ओपन लिखा होगा, एक अपडेट लिखा होगा। ठीक है, आपको अपडेट करना है। और इसके अलावा अगर ओपन है और फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप, इसका मतलब कि जो बीटा टेस्टर होते हैं वो नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे करूँगा, डेवलपर के नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे यू आर ए बीटा टेस्टर, मतलब कि जो भी अपडेट आता है सबसे पहले वो जो भी बीटा वर्जन यूज़ करते हैं उनके पास आता है। तो मेरे पास इसीलिए आया हुआ है ये। अगर आपके पास नहीं आया तो एक दो दिन में आ जाएगा। अगर आप तुरंत लेना चाहते हैं तो नीचे जाएंगे तो जहाँ पे डेवलपर के नीचे आ रहा है यू आर ए बीटा टेस्टर, वहाँ पे लिखा होगा बिकम ए बीटा टेस्टर। ठीक है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप इसको ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सो गाइज, होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और व्हाट्सएप का नया अपडेट जो ये भी आपको पसंद आया होगा। और कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ उसका। और बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ।